जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, सावन का ये पवित्र माह जिसमें धार्मिक कार्य करने से हमें बहुत लाभ प्राप्त होते हैं, धन वैभव के साथ साथ खुशहाली बढ़ती है, और ऐसे समय में पेड़ पौधों को लगाने, सेवा करने से बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। ये बातें हमारे धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है कि पीपल, केला, शमी ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे पौधे हैं जो हमारे जीवन में सुख समृद्धि देते हैं। पीपल और शमी दो ऐसे वृक्ष हैं जिन पर शनि का प्रभाव होता है। कल शनिवार का दिन, और यदि इस पौधे को आप घर में लाकर लगाते हैं, इसके नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं, आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। आप पूरे सावन मास में भोलेनाथ को एक पत्ती यदि समर्पित कर दें, हजारों बेलपत्र के बराबर इसका फल प्राप्त होता है। और पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, इसलिए घर में लगाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन शमी का पौधा हम अपने घर में लगा सकते हैं। इन पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जिसमें शमी और पीपल ये दोनों के वृक्ष के नीचे यदि सरसों के तेल का दीपक शनिवार की शाम को लगाया जाए, क्योंकि हम पीपल का वृक्ष अपने घर में नहीं लगा सकते, इसलिए शमी का पौधा यदि हम शनिवार को हमारे घर में लाकर रोपित करें और उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, इससे हमारे जीवन में आने वाले बहुत सारे दोष जैसे शनि दोष और उसके कुप्रभावों से बचा जा सकता है। शमी के वृक्ष को घर के मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शमी का पौधा घर में लगाने से देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, और शमी केवल भोलेनाथ को ही नहीं समर्पित होता, शमी गणेश जी को समर्पित होता है। और 16 जुलाई चौथ भी पड़ रही है, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, इसमें यदि हम शमी का पौधा अपने घर में लाते हैं और शाम के समय इसके नीचे दीपक लगाते हैं, उसकी एक पत्ती गणेश जी को समर्पित करते हैं दुबा के साथ, हमारे जैसी भी मनोकामना हो पूरी होती है, या हमारे जीवन में जैसे भी कष्ट हो दूर होते हैं। शमी का छोटा सा पौधा घर में लाएं, उसे लगाएं, उसका नित्य आराधना करें, उसके नीचे शनिवार की शनिवार आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं, इससे आपके घर में हमेशा धन संपत्ति आती रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। शमी को गणेश जी और शिव जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है, इसलिए भगवान गणेश जी की आराधना में भी शमी के पौधे की पत्तियों को अर्पित किया जाता है। इस पेड़ की पत्तियों का आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है, लेकिन हम अभी आयुर्वेद की बात नहीं करेंगे, सिर्फ धार्मिक बात कर रहे हैं। जिस घर में नियमित शमी के पौधे की पूजन होती है, तो घर में शनि का प्रकोप कम होता है। शास्त्रों में शनि के प्रकोप को कम करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन इन सभी उपायों में से सबसे प्रमुख उपाय है शमी के पौधे की पूजा। घर में शमी का पौधा लगाकर पूजा करने से आपके कार्यों में आने वाली रुकावट दूर होती है, और शमी के वृक्ष पर कई देवताओं का वास होता है। शमी के कांटों का प्रयोग तंत्र मंत्र, बाधा और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए भी होता है। शमी के पंचांग यानी फूल, पत्तियां, जड़, टहनियां और रस का इस्तेमाल कर शनि संबंधी दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। शमी वृक्ष की लकड़ी को यज्ञ की वेदी के लिए पवित्र माना जाता है। शनिवार को करने वाले यज्ञ में शमी की लकड़ी से बनी वेदी का विशेष महत्व होता है। एक मान्यता के अनुसार कवि कालिदास को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप दशहरे पर शमी के वृक्ष की पूजन का विशेष महत्व है, आप सब जानते ही होंगे। नवरात्रों में भी शमी के वृक्ष की पत्तियों से पूजन करने का महत्व बताया गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन शाम के समय वृक्ष का पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी के वृक्ष के सम्मुख अपनी विजय के लिए प्रार्थना करी थी, इसीलिए दशहरे के दिन विशेष पूजन होती है शमी की, और ये हमारे घर में रिद्धि सिद्धि, धन, लक्ष्मी सभी लाता है। इसलिए ये छोटा सा पौधा अब सावन के इतने पवित्र मास में और इतना अच्छा शुभ संयोग पड़ रहा है, शनिवार को लाना श्रेष्ठ होता है,
उसी में गणेश चतुर्थी है और वहीं सावन का महीना। सारे इतने सारे संयोग एक साथ पड़ रहे हैं। आप अवश्य इस शनिवार को छोटा सा पौधा अपने घर में शमी का लाएं, उसे लगाएं और सरसों के तेल का दीपक उसके नीचे प्रज्वलित करें। अब देखना आपके कैसे भी शनि के दोष चल रहा है, कष्ट चल रहा है, कोई भी परेशानी चल रही है कैसे दूर होती है। और नियमित रूप से सावन मास में, पूरे सावन मास में आप एक शमी की पत्ती भोलेनाथ पर अवश्य समर्पित करें। कल चतुर्थी तिथि है 16 जुलाई को, आप उसमें एक पत्ती अवश्य गणेश जी को समर्पित करें। आप देखेंगे कैसे भी आपके कष्ट हैं, कैसे भी आपकी समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी और आपकी मनोवांछित कामनाएं सारी पूरी हो जाएंगी। कर देखें, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्ति जिसमें होती है वो हमारा विश्वास होता है। यदि हमें किसी चीज़ पर विश्वास है तो वह हमारा कार्य होता ही होता है। कर देखें, विश्वास बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।